बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री से है। सबसे पहले तो हम इस टर्म को राइट हैंड साइड में पहुंचाएंगे ताकि हम dy और dx की वैल्यू को फाइंड कर सकें। तो इसके लिए इस टर्म को लिख देंगे 7 by -3x + 3 dy, और इस टर्म को राइट हैंड साइड में ले जा रहे हैं माइनस का 3y - 7x + 7 dx हो गया। अब हम dy और dx निकालने के लिए dy को लेफ्ट में ले आएंगे, dx को लेफ्ट में ले आएंगे dy के साथ में, और इस फैक्टर को राइट में ले जाएंगे इस फैक्टर के साथ में 3y - 7x + 7/3x + 3। अब इस माइनस का किसी एक में न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, डिनोमिनेटर में नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम डिनोमिनेटर के इस फैक्टर को यानी एक्स वैल्यू को पहले लिख लेंगे और फिर वाई वाले टर्म को, इसका डिफ़ॉल्ट साइन पॉजिटिव होता है वो लिख दिया यहाँ पर, और इसका माइनस इनटू किया तो ये प्लस का हो गया 7x + -3y और -7। यहाँ पर हम इसके कोफिशिएंट का रेशियो भी चेक कर लेंगे, जो कि देख रहे हैं 7/-3 आ रहा है, -3/7 आ रहा, अलग अलग है इसलिए हमें स्पेशल मेथड का यूज़ नहीं करना है। हमें इसको रिड्यूस करके होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। इसे इक्वेशन नंबर 1 डाल दें फ़िलहाल अभी और पुट कर दें। पुटिंग x = X+h की वैल्यू रख दें यहाँ पर, और y = Y+k रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा इस तरीके से हो जाएगा कि dy की वैल्यू जो है, डायरेक्ट भी हम dy/dx लिख सकते हैं लेकिन हम डिटेल में दिखा रहे हैं, y की वैल्यू ये रख दें Y+k और X की वैल्यू X स्मॉल x की वैल्यू X+h की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी। राइट हैंड साइड में भी करना है, इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 7 × x की वैल्यू X+h है, -3 × y की वैल्यू Y+k है, और -7/3 × x यानी X+h है, +7 × y + k है, -+3 है ये। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे y को तो ये हो जाएगा dy, और प्लस ये के जो कांस्टेंट है इसका डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, अपान में भी ये dx हो जाएगा और कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। इस ब्रैकेट को ओपन करके 7 का इन सब में मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यानी इस ब्रैकेट में, और इसका 3 में इंटू कर देंगे, -3 का इसमें इंटू हो जाएगा, 7 का जब एक्स में इंटू होगा 7x हो जाएगा, +7h हो जाएगा, -3 का इसमें इंटू करेंगे तो -3y और -3k, -7 पहले से नज़र आ रहा है। अब इस ब्रैकेट ओपन करके -3 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे, -3 का हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -3x मिलेगा, -3h मिलेगा, 7 का इंटू करेंगे तो 7y और +7k होगा और +3 होगा। अब यहाँ पर हम ये करें कि जो एक्स वाई वाले टर्म हैं उनको तो पहले लिख देंगे वेरिएबल, और कांस्टेंट को अलग एक साइड में इकट्ठा करके रख देंगे, और लेफ्ट हैंड साइड में ये dy/dx हो चुका है, बन चुका है, तो dy/dx की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, यानी dy/dx की वैल्यू आ जाएगी, उसको यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे कि हमने पहले बोला था कि हम एक्स और वाई को तो पहले लिख देंगे, 7x है और -3y है, 7x - 3y है, उसके बाद में कुछ कांस्टेंट्स हैं यानी 7h है, भी कोई फ़ोन आ रहा है डिस्टर्ब हो जाएगा, इससे हमने बंद कर दिया है। अब इसको हम इसको सॉल्व करें, हाँ 7h है और -3k है और -7 था, तो इसको तो एक ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, और जो कांस्टेंट है और वेरिएबल को चाहें तो उनको भी एक ब्रैकेट बंद कर दें। ऐसे हम यहाँ पर वेरिएबल जो थे -3x और +7y इसको लिख दिया, और यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे यानी -3h और प्लस का हो जाएगा 7k और +3 था, उसको यहाँ पर लिख दिया आपने। अब इसे इक्वेशन नंबर 2 डाल के होमोजीनियस बदलने के लिए
जो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बदलने के लिए इसको जो कांस्टेंट है उनको जीरो के बराबर पुट कर दें। तो पुटिंग मैंने एच आई और के की ऐसी वैल्यू रखें, पुटिंग ऐसी वैल्यू रखें कि ये कांस्टेंट जीरो हो जाए और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाए। तो एच और के की क्या वैल्यू होनी चाहिए, उसके लिए इस वैल्यू को सेवन एच माइनस थ्री के माइनस सेवन को जीरो के बराबर पुट कर दें और ये जो कांस्टेंट है माइनस का थ्री एच प्लस का सेवन के प्लस थ्री की वैल्यू ज़ीरो रखें। तो इससे क्या होगी, एच और के की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो वो इन इक्वेशन थ्री और फोर को सॉल्व करके मिल जाएगा। तो इक्वेशन थ्री और फोर को सॉल्व करने के लिए के या एच के कोएफिशिएंट को बराबर करते हैं। तो हम के कोएफिशिएंट को बराबर करने के लिए सेवन का यहाँ पर और थ्री का इस वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इक्वेशन नंबर थ्री में हम सेवन से इंटू करेंगे और प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर फोर को इसमें, लेकिन सेवन थ्री से मल्टीप्लाई करते हुए। तो इसमें जब हम सेवन से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्टी नाइन एच हो जाएगा और माइनस का ट्वेंटी वन के हो जाएगा, माइनस का फोर्टी नाइन इजिकल टू ज़ीरो। ये इक्वेशन नंबर थ्री में मल्टीप्लाई किया सेवन से तो ये नया इक्वेशन फाइव आ गया। ऐसे हम इक्वेशन नंबर फोर में जब थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस नाइन एच आ जाएगा और प्लस का सेवेंटी वन के हो जाएगा और प्लस का नाइन इजिकल टू ज़ीरो। इक्वेशन नंबर नया ये फाइव सिक्स हो जाएगा। अब इनको जब ऐड किया जाएगा तो प्लस माइनस ये होंगे ट्वेंटी वन के तो कैंसिल हो जाएंगे, इनका डिफरेंस जो होगा वो देख रहा नज़र आ रहा है फोर्टी नाइन में से नाइन माइनस करेंगे तो फोर्टी एच हो जाएगा और इनका डिफरेंस भी माइनस का फोर्टी आ रहा है और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो फोर्टी एच इजिकल टू फोर्टी आ जाएगा। तो एच की वैल्यू हो जाएगी फोर्टी अपान फोर्टी, कैंसिल होकर वन आ जाएगा, एच की वैल्यू ये वन आ जाएगी। एच की वैल्यू जब वन आ जाएगी तो उसे इक्वेशन नंबर हम थ्री या फोर किसी में रख के हम के की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो हम इसके लिए इक्वेशन नंबर फोर में ये वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, एच बराबर वन, फोर में वन कर रखेंगे, थ्री इंटू वन हो जाएगा एच की जगह पर, सेवन के माइनस प्लस का थ्री इजिकल टू जीरो। देख रहे हैं ये माइनस का थ्री और यहाँ पर मिला ये प्लस का थ्री, तो ये दोनों कैंसिल होकर तो जीरो हो गया, यानी सिर्फ सेवन के बराबर जीरो आ गया। तो के की वैल्यू निकालना, जीरो पॉइंट सेवन करेंगे तो जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से एच की वैल्यू हमको मिल गई है, के की वैल्यू जीरो मिल गई है। तो एच और के की वैल्यू हमें बाद में जाके ज़रूरत पड़ेगी रखने की, तो हम वहाँ पर पुट कर देंगे। फिलहाल अभी हमने इस वैल्यू को ज़ीरो रख दिया तो इक्वेशन नंबर टू रिड्यूस हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर टू जो है वो होमोजीनियस इक्वेशन में बदल जाएगा क्योंकि कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू आ गई है सेवन एक्स माइनस थ्री वाई, सेवन एक्स माइनस थ्री वाई अपान माइनस थ्री एक्स प्लस का सेवन वाई। इस तरीके से ये आ चुकी है, अब ये भी आ चुकी है, हमको ये वैल्यू मिल गई है तो होमोजीनियस हो गया क्योंकि न्यूमरेटर को देखें तो इसके हर एक टर्म की डिग्री इक्वल है, इसकी भी वन है इसकी भी वन है, ऐसे डिनोमिनेटर में हर एक टर्म की डिग्री वन वन है इक्वल है। अगर होमोजीनियस होता है तो इसे सॉल्व करने का एक तरीका होता है, वो तरीका क्या है वो हम लोग जानते हैं कि हम इसमें पुट कर देते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन जो लास्ट में आया, इस इक्वेशन नंबर हम सेवन डाल देंगे और इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन डालना ज़रूरी नहीं है, हम डालना चाह रहे हैं ऐसे काम चला सकते हैं। पुटिंग वाई इज इक्वल टू वी एक्स रख देंगे। अब वाई का रोल जो है वी अदा करेगा, यानी डिपेंडेंट वेरिएबल वाई की जगह पर वी आ जाएगा। अब इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करना होगा क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, इक्वेशन नंबर जो सेवन है उसके लिए डी वाई को डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए इसे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फर्स्ट सेकेंड को मानते हुए, तो फर्स्ट वैसा ही इसको हमने वैसे ही रखा और इसका वी का डिफ्रेंसीशन करेंगे डी वी ओवर डी एक्स हो जाएगा, फिर वी को वैसे ही और एक्स का एक्स के डिफरेंस में रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन बन हो जाएगा। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेवन में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर सेवन कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स लेफ्ट हैंड साइड में ये वैल्यू पुट करेंगे डी वी ओवर डी एक्स प्लस का वी, राइट हैंड साइड में ये हो जाएगा सेवन एक्स माइनस थ्री इंटू वाई की जगह पर वी एक्स हो जाएगा, माइनस थ्री एक्स प्लस का सेवन इंटू वी एक्स हो जाएगा। अब इस वी को पहुंचा देंगे राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बचाएंगे तो x डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी। इसमें से हम तब तक x कॉमन ले लेते हैं जब तक कि v उधर जा रहा राइट हैंड साइड में, तो ये बचेगा सेवन माइनस का थ्री वी अपान में x को कॉमन लिया, यहाँ से भी कॉमन लिया तो माइनस का थ्री प्लस का सेवन वी बचा और v को इस v को उधर पहुँचाया तो माइनस का हो गया, अपान में वन कर लेंगे, x x कैंसिल कर ले हो जाएगा और यहाँ पर हम एलसीएम ले लेंगे इन दोनों में वन में और इनका एलसीएम यही हो जाएगा, यानी माइनस थ्री प्लस का सेवन वी, तो वन का इधर इंटू हो जाएगा तो मिलेगा सेवन माइनस का थ्री वी और इस का इंटू वहाँ हो जाएगा वी में माइनस थ्री प्लस का सेवन वी का। अब इस ब्रैकेट को ओपन करके वी का अंदर इंटू कर देंगे, इस ब्रैकेट को खोलने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ना, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स डी वी ओवर डी एक्स चल रहा उसे लिख देते हैं, सेवन माइनस का थ्री वी माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा ये थ्री वी और
माइनस प्लस का इंटू माइनस का हो जाएगा, सेवन वी स्क्वायर हो जाएगा अपान में माइनस थ्री प्लस का सेवन वी है। अब देख रहे हैं कि वी प्लस माइनस ये से थ्री कैंसिल हो गया, अब हमारे पास बचा हुआ है उसको हम लिख देते हैं एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज इक्वल टू सेवन माइनस सेवन वी स्क्वायर अपान में इसमें बचा है माइनस थ्री प्लस का सेवन वी, माइनस थ्री प्लस का सेवन वी इतना आ चुका है। अब हम यहाँ पर ट्रांसपोज अब वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं, जिस तरफ डी वी है उधर वी वाले फैक्टर को पहुँचा देंगे, इधर जिधर और एक्स वालों को दूसरी साइड पहुँचा देंगे। तो हम वी वालों को लेफ्ट हैंड साइड में डी वी की तरफ ले जा रहे हैं, तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा यानी माइनस थ्री प्लस का सेवन वी और डी वी के साथ में, और अपान में ये वाला इधर आ जाएगा सेवन माइनस का सेवन वी स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में चला जाएगा डी एक्स। बस ये ध्यान रहे कि डी एक्स और डी वाई न्यूमरेटर में रहें, ऊपर ही रहें, और एक्स जो था वो इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। अब दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे, और इंटीग्रेट करते करते हम इस वी वाले टर्म को पहले लिख देंगे और माइनस थ्री को बाद में लिख देंगे, और इसमें तो सेवन को कॉमन ले कर लिख देंगे, तो बचेगा हमारे पास वन माइनस का बी स्क्वायर बराबर, और इसमें वन का इंटू मान लेंगे तो वन अपान एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। दोनों साइड हमें इंटीग्रेशन करना है। अब इसको दो पार्ट में बांट लेंगे, ये बांध ये और ये बांध ये, अलग अलग कर लेंगे, दो टर्म है इसको डिवाइड कर लेंगे, पार्ट में बांट लेंगे इसको। तो इंटीग्रेट करना है, पहले क्या था हमारे पास सेवन वी था, उसको डिवाइड करना सेवन टाइम्स वन माइनस बी स्क्वायर से, फिर था माइनस का थ्री और माइनस का थ्री अपान में सेवन और ये वन माइनस बी स्क्वायर। तो दो अलग अलग हमने इस पर पार्ट में बांट दिए, जिसको मैं अलग अलग इंटीग्रेशन करना होगा। राइट हैंड साइड में वन अपान एक्स डी एक्स ऐसे लिख दें, या इसको इंटीग्रेट करके लिख सकते हैं। तो ये वैल्यू देखने से सेवन सेवन कैंसिल हो जाएगा, और इंटीग्रेशन के साइन को इस पर अप्लाई कर देंगे। तो इंटीग्रेशन का साइन जिस पर अप्लाई हुआ तो वी अपान वन माइनस वी हो गया जिस डी वी, और इसको इसका जब इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो थ्री अपान सेवन कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले लेंगे, यहाँ पर वन का इंटू मान सकते हैं, वन अपान वन माइनस का वी स्क्वायर लिख देंगे, वन माइनस वी स्क्वायर है ये डी वी। वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन अभी कर देंगे, साथ ही में करना चाह रहे हैं इसलिए हमने रोके हुए हैं इसको। अब इसको इंटीग्रेशन यहाँ पर हम इसको कुछ मान लेंगे तो ये हमारा कुछ आ जाएगा, यानी वन माइनस बी स्क्वायर को अगर टी मानते हैं तो इन वन का डिफरेंसेशन जीरो, वी स्क्वायर का टू वी, और वी का डी वी और टी का डी टी होता है, लेकिन हमारे पास वी डी वी ही है, तो वी डी वी निकालने के लिए माइनस टू को डिवाइड करेंगे तो डी टी अपान में माइनस टू आ जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये पुट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू, यानी वन बाई माइनस वन बाई टू डी टी अपान में ये टोटल वैल्यू को हमने जब टी माना, सिर्फ इसी के लिए था ये, और माइनस थ्री बाई फोर थ्री बाई सेवन, और इसको इसमें फार्मूला लग जाएगा ये, क्योंकि हम जानते हैं से वन का स्क्वायर कर सकते हैं, ये वी का स्क्वायर है, और इसमें एक फार्मूला होता है जो हम अभी लिख के इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, और प्लस एक कॉन्स्टेंट यहाँ पर सी डैश जोड़ देते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसकी फार्म में क्या करना चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल हो। तो यहाँ पर माइनस वन बाई टू जो कॉन्स्टेंट है बाहर ले लेंगे, सिर्फ हमारे पास वन बाई टी बचेगा जिसको इंटीग्रेट करना है, और माइनस थ्री बाई सेवन जैसा कहा था हमने फार्मूला यहाँ पर लगाएंगे, ये फार्मूला होता है वन अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, यानी कॉन्स्टेंट पहले हो और उसमें से वेरिएबल माइनस हो, तो इसका फार्मूला याद कर लीजिए, वन अपान टू ए लॉग ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स होता है। तो इस फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे इसमें, तो एक जगह पर वन है तो ये वैल्यू हो जाएगी वन अपान टू ए, ए का मतलब यहाँ पर वन है, और लॉग वन ए प्लस एक्स मतलब वन प्लस वी हो जाएगा, और वन माइनस वी हो जाएगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। ये वैल्यू लॉग एक्स ऐसे करते हैं, यहाँ पर जो सी डैश है उसे हम लॉग सी सी बोल देते हैं, तो इन दोनों को मिला के लिखा जा सकता है। बाद में जो सभी लॉग के फार्म में भी आ रहे हैं ये भी है, यहाँ पर माइनस वन बाई टू को बाहर रखें, वन अपान टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, तो ये लॉग टी हो गया, माइनस ये हो जाएगा थ्री इंटू वन थ्री हो जाएगा, और सेवन इंटू टू फोर्टीन हो जाएगा, और लॉग वन प्लस वी अपान वन माइनस वी इज इक्वल टू लॉग, ये दो बार हैं और बीच में प्लस है, तो दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, एक्स इंटू सी कर देंगे। अब यहाँ से हम जो है क्या कर सकते हैं, इस पावर को इस पर पहुँचा सकते हैं जो भी मल्टीप्लाई में है पावर, या अभी हम ये भी कर सकते हैं कि माइनस को बाहर ले लें,
ये अब माइनस का 1/2 बाहर ले सकते हैं। माइनस 1/2 को हमने बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो जाएगा लॉग टी, और प्लस का हो जाएगा 3/7, और लॉग ये 1 प्लस v/1 और 1 माइनस v इतना आ गया इजिकल टू लॉग c को पहले लिख दें तो cx हो जाएगा ये, और माइनस 2 को हम राइट हैंड साइड में रखें उधर मल्टीप्लाई के लिए ले जाएंगे, तो लेफ्ट में हम ये कह सकते हैं ये मल्टीप्लाई हो रहा 3/7, इसको पावर में ले सकते हैं जो लॉग का फार्मूला होता है, लॉग टी इधर बचेगा ये, और प्लस इसको हमने पावर में लिखना चाह रहे हैं तो 1 प्लस v/1 माइनस v की पावर 3/7 हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में हमने इस माइनस टू का इंटू कर दिया तो माइनस 2 × लॉग ये सी एक्स लिखा हुआ है सी एक्स। अब ये दो लॉग हैं एक ही में लिख देंगे, एक बार लॉग लिखें उनके बीच में चूँकि प्लस का साइन है तो एक बार लॉग लिख के टी और बाकी जो भी है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला जो होता है लॉग का उसके अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लिकेशन का साइन आ जाएगा, पावर 3/7 है वो लिख के रहेगी दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, बस एक बार लिखा जाएगा दो दो लॉग, और साथ में ये जो पावर है वो हम लोग यहाँ से लॉग में आगे में पावर जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो पावर में पहुँच जाता है, तो इस तरीके से यहाँ पर भी लॉग लिखा हुआ है सी एक्स की पावर माइनस 2, इससे क्या होगा कि लॉग अब हटा सकते हैं, लॉग से हट जाएगा तो बचेगा हमारे पास टी, और 1 प्लस v/1 माइनस v की पावर 3/7 इजिकल टू सी एक्स की पावर माइनस 2। अब टी की वैल्यू इस तरफ रख दें, सबसे बाद में जो वैल्यू हमने मानी थी उसे पहले वैल्यू रखी जाती है तो 1 माइनस v², और ऊपर ये 1 प्लस v की पावर भी 3/7 हो जाएगी, और अपान में 1 माइनस v की पावर भी 3/7 हो जाएगी, इस तरफ ये करें कि इसकी पावर को प्लस करने के लिए अपान में लिख दें 1 अपान में, तो ये पावर प्लस की हो जाएगी 2। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर मान सकते हैं, एक ब्रैकेट में ये ऐड हो जाएगा और दूसरे में माइनस हो जाएगा, फार्मूला a² - b² का अप्लाई कर दिया और 1 प्लस v की पावर 3/7 अपान में 1 माइनस v की पावर ये 3/7, और यहाँ पर ये है हम c² कर सकते हैं और ये x² कर सकते हैं, ये 1 प्लस v ये दो बार हैं तो इनको एक बार लिखें और इंटू हो रहा है तो पावर इसकी 1 है और इसकी 3/7 है, दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, और चूंकि ये भी है 1 माइनस v लेकिन इसमें पावर माइनस हो रही तो ऊपर 1 पावर है नीचे ये 3/7 है तो इसमें से माइनस हो जाएगी 3/7 और ये बचेगा 1/c² x². चलिए रहा है अपना कॉन्स्टेंट, तो अब इसमें सॉल्व करेंगे 1 प्लस v तो एलसीएम लिया 7 7 प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ 1 माइनस v और इसमें एलसीएम लिया 7 तो 7 माइनस 3 हो जाएगा इजिकल टू 1/c² x², तो 1 प्लस v और ये 10/7 हो जाएगा 7 × 1 माइनस v और ये 4/7 हो जाएगा, इसे लिख सकते हैं 1/ ये सी एक्स का होल अब स्क्वायर करके लिखा जा सकता है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, c का स्क्वायर था ये x² 1 का स्क्वायर 1, तो उसे होल अब स्क्वायर करके लिख जा सकता है क्योंकि हमें इधर नज़र आ गया कि इवन है यानी 2 से डिवाइड हो जाएंगी ये पावर्स, तो स्क्वायर रूट लेंगे तो पावर हमें सभी में 2 से डिवाइड हो जाएगा तो ये 5/7 बचेगा इसमें, और यहाँ पर 1 माइनस v की पावर 2/7 बचेगी और इधर भी पावर हाफ हो के सी एक्स ही बचेगा सिर्फ, और फिर हम यहाँ पर v की वैल्यू है वो पुट कर देंगे, v की वैल्यू कितनी मानी थी, v की वैल्यू शुरू में देख लीजिए v/x, v की वैल्यू जब यहाँ से फाइंड करेंगे तो x को लेफ्ट में ले जाना पड़ेगा तो v/अपान में आ जाएगा, तो v = y/x पुट कर दें, हमेशा यही होता हुआ करता है जब हम इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, y/x की वैल्यू होती है 5/7 और ये 1 माइनस यानी जो होमोजीनियस हम बनाते हैं तब y/x, हाँ कभी कभी x/y भी लिखना होता है 2y7 = 1/cx, तो एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर x को एलसीएम लेंगे तो x + y की पावर 5/7 और ऐसे ही अपान में 1 करते हुए x को एलसीएम लेंगे तो x - y हो जाएगा उसकी पावर 2y7 = 1/cx हो जाएगा। अब न्यूमरेटर जो है ये इसकी पावर भी 5/2 अलग कर दीजिए, 5 यानी x + y की पावर हो जाएगी 5/7 और यहाँ पर x की पावर भी 5/7 कर दें अलग करके इनटू ऐसे यहाँ पर न्यूमरेटर x - y है उसकी पावर 2/7 को अलग करके लिख दीजिए और x की पावर भी यहाँ पर 2/7 को अलग करके लिख दीजिए और ये 1/ में सी एक्स है, और यहाँ पर तो आप क्या करें कि x की पावर को मिला दें इकट्ठा कर दें कलेक्ट कर लें, कितनी पावर हो जाएगी x को वो देख लेते हैं,
तो ये ऊपर तो बचा हुआ है एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की पावर है 5/7, उसको लिख दिया है। और दूसरा एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई और इसकी पावर है 2/7, और अपान में एक्स है दोनों, तो एक्स को एक बार लिखेंगे और इनकी जो पावर है अलग अलग उसे कलेक्ट कर लेंगे। एक में 5/7 है, दूसरे में 2/7 है। राइट हैंड साइड में 1/2 में सी एक्स लिखा हुआ है, एज इट हमने इसको लिख दिया है विदाउट एनी चेंज। अब ये पावर को कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अपान में सेम है तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं 5 और 2 7 7/7, यानी 1 पावर आ जाएगी। तो एक्स प्लस वाई की पावर यहाँ पर 5/7 और यहाँ पर एक्स माइनस वाई की पावर 2/7, अपान में ये एक्स बचा क्योंकि 7/7 यानी 1 हो जाएगा, और ये एक्स से एक्स को कैंसिल जब करेंगे तो यहाँ पर बचेगा एक्स, कैपिटल एक्स की वैल्यू जो शुरू में थी वहाँ से पर पुट कर दें एक्स वाई की वैल्यू। शुरू में सबसे शुरू में माना था हमने कैपिटल एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो एक्स माइनस एच करना पड़ेगा, और वाई की वैल्यू कैपिटल वाई की वैल्यू निकालेंगे तो वाई माइनस के करना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू पुट कर दी जाती है, तो यहाँ पर पुट कर दें यानी स्मॉल एक्स माइनस के हो जाएगा, और वाई की वैल्यू वाई माइनस का के हो जाएगी, और इसकी पावर 5/7। फिर इसमें एक्स की जगह पर रखना होगा एक्स माइनस के, और माइनस वाई माइनस के, और एक्स माइनस एच होगा, तो एक्स माइनस एच होगा इक्वेशन जो शुरू में माना था वहाँ से देख लीजिएगा। और होल पावर इसकी 2/7 है, इक्वल टू 1/c बचा सिर्फ। और इसमें ब्रैकेट को हटाएंगे, एक्स वाई को साथ साथ लिखेंगे, तो एक्स प्लस वाई और माइनस एच माइनस के, और उसकी पावर है 5/7। ऐसे यहाँ पर एक्स माइनस हो जाएगा वाई और माइनस एच और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा के, और उसकी पावर है 2/7 इक्वल टू 1/c है। अब यहाँ पर ऐसा करें कि एच और के की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वो पुट कर दें। एच की वैल्यू 1 आई थी, के की वैल्यू 0 आई थी, तो 5/7 और एक्स माइनस वाई माइनस 1 और 0, देख लीजिएगा यही वैल्यू आई होगी 2/7 इजिकल टू 1/c। अगर कोई भी वैल्यू आई हो वो पुट कर दें, हमें इतना याद था। तो ये बचा हुआ हमारे पास एक्स प्लस वाई माइनस 1 की पावर 5/7, और यहाँ पर एक्स माइनस वाई की पावर है 2/7 इजिकल टू 1/c। अब ये अपान में जो 7 आ रहा है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई माइनस 1 5 × 1/7, और ऐसे यहाँ पर एक्स माइनस वाई इंटू 1/7 इजिकल टू 1/c। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई माइनस 1 की पावर 5 और एक्स माइनस वाई की पावर 2 और होल पावर 1/7 इजिकल टू 1/c। और दोनों तरफ पावर जो है वो अगर हम 7 कर देंगे, दोनों तरफ पावर अगर हम 7 कर देंगे तब हमें देखेंगे कि ये अपान में 7 जो आ रहा है वो कैंसिल हो जाएगा, हट जाएगा, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई माइनस 1 की पावर 5 और एक्स माइनस वाई की पावर 2, इसकी पावर तो 1 हो जाएगी। जब हम होल पावर 7 कर देंगे तो 1/c की पावर 7 हो जाएगी। इसे एक नया कांस्टेंट कर दें, यानी 1/c की पावर 7 को एक नया कांस्टेंट कर दें। अगर हम इसको सी डैस मान के लेके चले हों, तो सी डैस तो मान चुके हैं, सी डबल डैस अगर मान के लेके चले हों शुरू से, तो सी डबल डैस मान के लेके चलें शुरू से, तो हम अब सी कह सकते हैं इसको। तो फिलहाल तो अभी इसको हमने सी डैस लेके चलें। पहली बार जब हमने सी डैस की जगह पर लॉग सी लिखा था तो सी डैस कर लें सी डैस की जगह, हालांकि ये करना ज़रूरी नहीं, आप सी ही लिखा रह सकते हैं और नया कांस्टेंट सी कर दें, के कर दें, डी कर दें, कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कर लें तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, बस सी डैस यहाँ पर लिख दें। और ये ज़रूरी नहीं सी डैस हो, कोई भी आप वेरिएबल कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई भी नाम ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल जो है हम सी डबल डैस लेके चल रहे हैं इस कांस्टेंट को, सी डबल डैस कर दें, या आप अगर सी रखना चाहते हैं तो सी रखिए और बाद में कुछ और कांस्टेंट कर दें सी डबल डैस, अब बाद में कर दो। हमने यहाँ पर टोटल जब हमने सी डैस कर लिया है, यहाँ पर 1/c की पावर 7 कर लिया है, तो इसको हमने अब लैड कर लिया 1/c की पावर 7 को एक नया कांस्टेंट सी कह दिया, क्योंकि आंसर हमारा जो बुक में दे रखा होता है वो सी की फार्म में होता है, इसलिए हम इतना चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन एग्जामिनेशन में आपका कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसे सी डबल डैश करें और फिर इस पूरी वैल्यू को सी लिखें, आप इसको सी लिखा है तो इसे आप सी डबल डैश भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर सी है तो इस पूरी वैल्यू को सी डबल डैश या सी डैश या सी वन या कोई भी कांस्टेंट डी ई एल मान सकते हैं, बस ध्यान रखें कि एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू ये ना माने, टी एस टी ये ना माने,
जो कॉन्स्टेंट को यूजुअली हम लोग सी के एल ए बी सी ये ही माना करते हैं। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाकरुद्दावाना अलहमदुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।